प्यार से देने रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। दबंग, दबंग 2 के बाद दबंग 3 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जी हाँ, दबंग और दबंग 2 की सुपर सक्सेस के बाद एक बार फिर सबके दिलों पर राज करने आएंगे चुलबुल पांडे। हम एक अहिंसावादी थानेदार हैं। गोली तो छोड़िए, हम किसी को गाली तक नहीं बकते। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि दबंग 3 में सोनाक्षी सिन्हा उर्फ रज्जो नहीं होंगी। रज्जो के सुपर हिट डायलॉग्स लटके झटके दबंग 3 में नहीं दिखाई देंगे। हालांकि सोनाक्षी की जगह किस नई बाला को मिलेगा चुलबुल पांडे का साथ, ये अभी तय नहीं हुआ है। कल मिले, हाँ कल मिले, हाँ कल मिले, हम कबूल गए आज रे। एक के बाद एक हिट फिल्मों का हिस्सा बन चुकी सोनाक्षी सिन्हा के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जिस ब्लॉकबस्टर फिल्म दबंग के साथ सोनाक्षी ने अपने करियर की शुरुआत की थी, उस दबंग की सीक्वल में अब वो नजर नहीं आएंगी। में बनने वाली दबंग 3 का प्लॉट दबंग के पहले का होगा, यानी कि यह फिल्म दबंग की प्रीक्वल फिल्म होगी। इस फिल्म में सलमान खान के एक पुलिस ऑफिसर बनने तक की कहानी होगी। पुलिस वाले को ठोकने का अंजाम पता है क्या है? 21 साल जेल और ठुकाई अलग से। और उसी पुलिस वाले ने अगर तुम्हें ठोका तो प्रमोशन अलग से और बहादुरी का मेडल भी। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं। सलमान खान पुलिस इंस्पेक्टर बनने के बाद ही फिल्म की हीरोइन रज्जो से मिलते हैं, इसलिए इस फिल्म में रज्जो का कोई रोल नहीं होगा। प्यार से देने रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। हो सकता है कि कोई नई हीरोइन इस फिल्म के लिए कास्ट की जाए। दबंग 3 को कौन डायरेक्ट करेगा ये अभी फाइनल नहीं है। हालांकि बाकी के स्टार कास्ट लगभग वही रहेंगे। पूजा साहू, जानो दुनिया। माँ की झूठी कसम नहीं खाते, झूठिया सा।